पर फिर थोड़ा पेटू सिंह से बहुत ही यूनिक जिहा शूट, बहुत ही घेंट वाला सुपर डुपर टेस्टी फूड आया थोड़े वास्ते यार। जल्दी जल्दी चैनल करो सबसक्राइब, तो वीडियो में वधिया लगे तो लाइक तो शेयर भी जरूर करना भूलना नहीं, क्योंकि बहुत सारिया इधर दिया वीडियोज होर आने वाली है तो हर वीडियो थोड़े प्यार की बहुत लोड़ होंगी है। अज आए हैं जलंधर के बाजारा के फिर एक बार, ये अलग बाजार है चरणजीत पूरा पैंदा जिथे है गोपी राम कुड़ी वाले, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही लाजवाब तो बहुत ही शानदार कुड़ी पूड़ी भी खावे, छोले भी खावे, नाल कचोरी भी, दही तो लस्सी भी, नज़ारे लवेंगे फुल। अज हरमन भरा मेरे नाल है कैमरे की बैक साइड, सत श्री अकाल दोस्तों, तो छा जाओ यार वो तो वो लाइक करो, तो यार ठोक के वीडियो में शेयर भी करो, थोड़े लिए प्यार की थोड़े सत्कार की बहुत लोड़ होंगी है, जरूर करो। तो चलते हैं सारी गलबात भी करा अंकल जी नाल भी, बट उस तो पहले कुछ कस्टमर खड़े ने, आप उन्होंने सारा फीडबैक लवेंगे, सारी गलबात करते हैं। आओ चल, तो कस्टमर मेरे कोल खड़े थे, तो यार फीडबैक लेना बहुत जरूरी है तो सारे वास्ते। तो भाजी अपना नाम? मेरा नाम है ललित। तो कितनी देर हो गई इतने आके तो पूड़ी छोले खाते या होर कोई इन्हों की स्पेशलिटी? इन्हों की स्पेशलिटी जी बहुत जी, आप देखो जी इतने लोकल इतने चौंक ही रहने अपन लगे इन्हों को संडे नू, संडे नू बहुत मज़ा आता, पब्लिक होती है मज़ा आता खाने, सारे जिदा परिवार का। कितनी देर हो गई तुम इतने आंदे? मैनू तो 4 से 5 साल हो गए जी। टेस्ट हमेशा सेम रहा जी? हाँ जी, पूरी छोले नंबर वन, जो छोले नंबर वन है जी। आप जो दसा तो कुछ नंबर देना चाहिए, की दे सकते हैं नंबर? इन्हों ने 100 से 100 दी है जी, 10 ही दे रही है जी। तो गुड, ऐसे करके असं इतने पहुंचे हैं यार, साडा ऑर्डर भी लग रहा है, उस तो बाद थोड़े जे कस्टमर होर पिछे खड़े ने, थोड़ा जहा फीडबैक मैं भरावों को भी लेना चाहूँगा। तो मेरे जी कितनी देर हो गई अपन इतने आंदे? सर बचपन तो ही आ रहे हैं, पूरी बचपन से खा रहे हैं। अंदाजा किन्ने साल हो गए? अंदाजा मुझे लगा लो 25 साल हो गए। मेरे अपना नाम दोनों भरा दस दी है जरा। मेरा नाम मोहित है जी। राजा मोहित, तुम लोकल जलंधर तो? हाँ जी, अभी लोकल इतने मेन वाले हैं, साढ़े आस पास 4-5 कॉर्नर है पूरी वाले, बट अभी इन्होंने को ही आई है, चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे वीकडे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भी जो अभी आने सू टेस्ट हर बारी सेम ही खाने मिलता? हाँ जी बिल्कुल, मतलब क्वालिटी वही रखी है, क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जी, पूरी थोड़े बहुत बढ़िया स्पेशलिटी इन्होंने बहुत बढ़िया बनाते हैं। बहुत वधिया गल है जी, सब्जी भी छोले भी, साड़ी प्लेट हजे लगी नहीं, लग रही है, तो देखते हैं यार कितना मजा आता है। पर ही तो दसा जो कुछ नंबर देना चाहिए, कितने देना चाहोगे? नंबर है देखे हर किसी ने गल की गल की दसा दस ही है भाजी थोड़े वालों भी, तो यार एक नंबर भी कट नहीं हो रहा, यदा मतलब मजा आने वाला। हरमन भाजी की कहते हो? बिल्कुल कैंट जहा इंजॉय करन वाले आपा फूड दा लगदी है साडी प्लेट भी, थोड़ी जी इंटरव्यू असीं फौजनल भी करदे आ, की गलबात है किद्दां ते आओ। ते यार मेरे कस्टमर एक इत्थे वीर भरा एक होर खांदे पे सीगे, थोड़ा जिहा ते डिस्टर्ब कीता तुहानू, थोड़ा जिहा सॉरी ओहदे लई। ते अपना नाम मेरे जी? मेरा नाम राहुल है। भाजी किन्नी देर हो गई इत्थे आंदे आ? जदा भाई मैं थोड़ी शुरू कीती खाणी, मैं इत्थे ही आंदा मैं खाण। किन्ने साल हो गए होणगे? होए गए 15 साल। ते किद्दां दी फूड क्वालिटी लगदी है? मैं सर आना ही इत्थे हैगा, बेस्ट है किन्ना दी? बेस्ट है, छोटे नजर आ रहा मैं। ते दसा जो किन्ने नंबर देना चाहोगे? दसा जो मैं 12 दूंगा भाई। क्या बात है यार, क्या बात है, मजेदार जवाब। ते चलो साडा फूड भी लग गया, असीं टेस्ट करदे आ। ते पहला आपां कस्टमर फीडबैक लिया, क्योंकि अंकल कोल रेस्ट थोड़ा जिहा सीगा ते टाइम नहीं सी मिल पाया, हुण फीडबैक हो गया ते असीं गल करदे आ अंकल नाल। अपना नाम? गोपी राम पुड़ी। ये गोपी राम पुड़ी वाला जलंधर च मशहूर है, तुम किसी पुछोगे दुकान तक छड़ के आएंगे, पुड़ी लाजवाब है इन्हों की, साडा ऑर्डर लग रहा। तो अंकल कितनी देर हो गई अपन काम करते? मैंने वही डेढ़ 30-31 साल। 30-31 साल जी। तो इन्हों की लस्सी भी बहुत कमाल है, इन्हों की कचोरी भी कमाल है, तो पुड़ी भी बेस्ट फूड है इतने मिलने वाला। तो आप थोड़ा जहा अपना एक्सपीरियंस दसी अंकल, तुम जो स्पाइसी जो मसाले यूज करते हो, आप तैयार करते हो बड़े मसाले लैके या अपने अपने लेंदे हो? सर मैं अपने मसाले शुरू तो ही मैं अपने मसाले तैयार किए हैं अपनी मर्जी के, शायद जलंधर के बिच जो मैं मसाला तैयार किया वरना आम आदमी नहीं कर सकता। इहदा जिहड़ा स्वाद वखरा है ना, उहदा राज इही है कि इहनां दे हत्थां जादू है, ये अपने मसाले तैयार करके जो यूज करते हैं ना, ये जादू ही होना चाहिए। ये अंकल 30-31 साल तो आप एक ही साड़ी कोई होर ब्रांच तो नहीं? नहीं नहीं, आप जोमैटो तो स्विगी से भी अवेलेबल हो? जी 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 जी, जोमैटो तो स्विगी से भी तुम गोपी राम पुड़ी वाले सर्च कर सकते हो, तो उतो भी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि कोविड का टाइम है, इतने डाइनिंग अवेलेबल नहीं है, उदा इतने स्टैंडिंग भी तुम्हें नॉर्मल डेज के कोविड खत्म हो जाता है, तो लॉकडाउन बंद हों, नहीं लॉकडाउन रहा स्टैंडिंग इतने खाने को मिलता है सारे पास, बट कोविड का टाइम है इस करके स्टैंडिंग भी इतने अवेलेबल नहीं है, तो तुम जोमैटो से या स्विगी से या आप ही पिक करके लेके टेक अवे लेके जाना पेगा। तो फूड एक नंबर होएगा, मज़ेदार है, साडा फूड लग गया, आप भी ट्राई करते हैं यार, तो सारा
ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਹਰਮਨ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਪੀ ਰਾਮ ਪੂੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਹੁਤ? ਹਾਂ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਚੋਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਪੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਫਤਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਛੋਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਫਤਾ ਨਾਲ ਆਲੂ, ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਲੇਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰਮਨ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਲਡ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਸੈਲਡ, ਕੁਛ ਅਚਾਰ ਹੈ ਨਾਲ, ਅਚਾਰ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਰਮਨ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਚੋਰੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂੜੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਪੇਪਰ ਵਰਗੀ ਪੂੜੀ, ਪੇਪਰ ਪੂੜੀ ਆ ਮਤਲਬ, ਹੈ ਪੇਪਰ ਪੂੜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹੈਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਲਾਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਪੇਪਰ ਪੂੜੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੌਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਲ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥਿਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਜਵਾਬ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਗਨ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦੇ। ਯਾਰ ਹਰਮਨ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਪੇਪਰ ਪੂੜੀ, ਮਤਲਬ ਪੂੜੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਪੂੜੀ, ਹਰਮਨ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਪਿਆਜ਼, ਚਟਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਆਈਟਮ ਨੇ ਜੋ ਪੂੜੀ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਚੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚੋਰੀ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਪਾਈਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਮ ਲੱਗੀ ਕਚੋਰੀ, ਕਚੋਰੀ ਜੋ ਦੱਸਾਂ ਜੋ 9 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂੜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੇਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹ ਹਰਮਨ ਭਾਜੀ, ਵਾਹ ਕਮਾਲ, ਪੇਪਰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਪੂਰੀ ਯਾਰ, ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਸੌਫਟ ਤੇ ਇੰਨੀ ਥਿਨ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਜਾਂ ਸਪਾਈਸੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਕੋਫਤਾ, ਤੋੜਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ ਘੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਫਤੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਫਟ ਸੀਗਾ, ਲੱਡੂ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ।
मेरा परसनल ओपिनियन है, तुसी इत्थे आओ जे तुसी भी ना कहा ना दसा जो दस नंबर ते यार साड़ी वीडियो शूट करना बेकार है, मज़ा आ जाएगा तुहानू, बहुत जबरदस्त है, बहुत मज़ेदार है यार। आपां हुण करदे आं फिनिश इहनू, फिर तुहानू मिलदे आं दुबारा ते सारी गलबात एंड करदे आं। यार आपां पूड़ी छोले का टेस्ट भी तुहानू दस्सिया, ते वीडियो मैं तुहानू कहा सीगा कि मैं एंड करांगा, बट नहीं, विच मैं जो चटनी का टेस्ट कीता ना तुहाडे नाल करना भुल गया मैं, मैनू मज़ा आ गया यार, चटनी का स्वाद सीगा यार लाजवाब। ते एक चीज़ होर है, जे असी पूड़िया छोले खाधे ते ना लस्सी ना पीती, स्वाद रह गया अद्धा, ते जदों आ गई ना लस्सी मलाई मार के, आहा मज़ा आने वाला, क्या ही बात है। एंड लाजवाब, शानदार, मजेदार, पुड़ी दा पुड़ी, लस्सी उस तो भी बा कमाल, नज़ारा आ गया मैनू। तो आप हूँ फिनिश करके मिलेंगे तुहानू, हूँ वेट नहीं की जाती जी, जल्दी जल्दी करते हैं फिनिश। यार कहते हैं ना यार पेट भर गया तो नीयत नहीं भरी, साडा तो वो हाल होया, इन्ना स्वाद फूड, इन्ना मज़ेदार फूड यार, जबरदस्त पुड़ी सी, कचौरी भी घेंट, तो यार लस्सी तो उस तो मतलब एक नंबर प्लस ही सी, मज़ा आ गया मैनू तो, बहुत अच्छा लगा इतने का पुड़ी छोले खा के। तुम भी जल्दी जल्दी पहुँचो, क्योंकि जो तक मैं खा रहा ना, मैं भी देख रहा था कस्टमर कोई 10-10, 15-15 किलोमीटर दूरी तो भी इतने जलंधर के बाजार के अंदर तक पहुँच रहे थे अंकल जी के पुड़ी छोले टेस्ट करने वास्ते, तो तुम भी जल्दी जल्दी पहुँचो, बहुत ही जबरदस्त पुड़ी छोले है, मज़ा आ जाएगा। संडे में बहुत रश होता, तुम संडे में भी खाओगे ना तो टेस्ट सेम मिलेगा, यानी कि जल्दबाजी टेस्ट का फर्क होएगा, बहुत घेंट सुपर डुपर, अपने हाथों कलाकारी है, अंकल के मसाले लाजवाब तैयार करके आप ही बनाते हैं, तो आ जाओ यार, तो सानू भी इदा ही प्यार देंदे रहो, वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक तो शेयर जरूर करो, थोड़े प्यार की बहुत लोड़ होती है, वीडियो देख के जा रहे हो तो सबसक्राइब भी जरूर करना भुलना ना, अपना प्यार देंदे रहना। इस सारी अज की इनफॉर्मेशन, एक चीज़ होर है कि यार मैं तुम्हें हमेशा कहना कि एक बार मैं कमेंट करके जरूर दस्या करो कि तुहाडे आसपास कि चीज़ वधिया मिलती है, आप अपने दोस्तों वास्ते वो लैके आईए, मैं कमेंट सैक्शन के जरूर कमेंट करके दस्या करो कि चीज़ शूट करन वाली है, मैं जरूर आवांगा, जरूर करांगा उन्होंने कवर से अपने चैनल पर लैके आवांगे, तुहाडे प्यार की लोड़ है, इदां ही प्यार देंदे रहना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नैक्सट वीडियो।